बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस फिल्म का नाम है राधे, इसमें हम हैं, कल्लू जी हैं, और ये फिल्म एक इंसान और जानवर के प्रेम की कहानी है। कैसे एक जानवर इंसान से प्रेम करता, अगर इंसान उस जानवर से प्रेम करता, तो एक बहुत अच्छा संदेशा देती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग जानवर के प्रति कभी बहुत क्रूरता करते हैं, जो बहुत दुखदाई है, कुत्ते को मार रहे हैं, या ये बहुत दुख देने वाली खबरें। उसमें अगर आप एनिमल लवर्स बनते हैं, जो कि मुक्का है, बोल नहीं पाता, तो हमारे डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी ने एक जानवर के प्रति, जो जानवर वो हाथी है, और उसके प्रेम की कहानी, और कैसे हम दोनों भाई उसमें जुड़े हैं उस प्रेम से, वो इस कहानी की सबसे बहुत सुंदर चीज है। फिर उसमें थोड़े से कलर्स हैं, उसमें हीरोइंस हैं, इमोशंस हैं, इसमें हीरोइंस हैं, कलर्स हैं, विलन्स हैं, गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि पहली बार मैंने किसी प्राणी के साथ, हाथी के साथ फिल्म की, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन रहा। मैं क्योंकि बचपन में राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथ ही देखा था, और मैंने बहुत बार देखा था, और मैं रोया भी था फिल्म देखते, मुझे याद है, छोटा था मैं, तो वो एक इमोशन हमेशा रहता है। फिर वो एक जैकी श्रॉफ की डॉग के साथ एक फिल्म थी, केसी बोकाड़िया साहब की, नाम याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। तो मैं हमेशा चाहता था एक फिल्म करें जहाँ पर कोई प्राणी हो और उसके साथ, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता, लेकिन जो हमारे साथ जो हाथी थी, हथनी थी, वो बहुत ही कमाल, बहुत ही अच्छी थी। और बेस्ट पार्ट ये था, जो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कि हम लोग उसको रोज, हम कल्लू जी उसको रोज निलाते थे, हम लोग उसको भोजन करवाते थे, हम लोग अपने हाथ से उसको वॉश देते थे सवेरे, तो वो हम लोगों से बड़ी जुड़ गई थी। तो हमारा काम था, मेरा रोज काम था सुबह उसको स्नान करवाना, उस हथनी को, तो वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो गर्मी बहुत थी वहाँ पे गुजरात में, तो जब उस पर पानी पड़ता था तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो ये हमारे बहुत अच्छा एक आउटडोर बीता, और एक अच्छी फिल्म लेके हम लोग आ रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि आज के दौर में हिंदी फिल्में देखने के असल मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे फिल्म काफ़ी बन रही है, जो चल भी रही है बॉक्स ऑफिस पे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो आपको लगता है कि यहाँ भी उस तरह के असल मुद्दों पे, रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स होते हैं या जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस पर फिल्म बनना चाहिए? देखिए, मेरी फिल्म अभी बहुत अच्छे 100 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है। जॉन अब्राहम और मैं हैं बाटला हाउस फिल्म में, और उसमें मुझे, मेरे काम को बड़ा पूरे देश ने अप्रिशिएट किया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। मैं शहीद पुलिस ऑफिसर का रोल किया हूँ। तो यस, डेफिनेटली आजकल सारी बॉलीवुड का, और अभी मेरी 300 करोड़ वाली फिल्म आ रही है, जिसमें हमारे चिरंजीवी सर हैं जो मेगा स्टार हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, किच्चा सुदीप हैं, तो वो भी एक रियल ट्रू इंसिडेंट है, एक रियल वॉरियर थे 1857 में आंध्र प्रदेश में, उनका नाम सायरा नरसिम्हा रेड्डी था। तो अब सारी कहानियाँ या मेरी और जो फिल्में आ रही हैं, सब में वो सब ट्रू इंसिडेंट पर ही हैं, ट्रू स्टोरी है। वह वैसी करनी चाहिए फिल्में हम लोगों को, और भोजपुरी में भी वैसी फिल्म बने। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कि आपके माध्यम से मैं सारे भोजपुरी मेकर्स को भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रू स्टोरीज या ट्रू इवेंट पे फिल्में बनाएंगे, तो डेफिनेटली भोजपुरी का बाजार, जो अभी थोड़ा ठंडा सुनाई दे रहा है, हम चूँकि नहीं, हम यहाँ पार्लियामेंट में ज़्यादा रहते हैं, गोरखपुर रहते हैं, तो वो उछाल पर आ सकता है। सर, ये भी जानना चाहूँगा कि हिंदी फिल्म हो या भोजपुरी हो या साउथ की फिल्में हो, अब राजनीति कैसे बैलेंस कर देते हैं चीज़ों को, मतलब कितना प्रेरणा लेना चाहिए और भी कलाकार को आपसे? देखिए, ये महादेव की कृपा है हम पर, और मुझे पता है कि सिनेमा, ये कमिटमेंट पुराना था, ये राधे फिल्म पहले की है, तो इनकी डबिंग भी कर देना है, कुछ पुरानी फिल्में साइन की हैं, उनके पैसे लिए हुए हैं, वो प्रोड्यूसर वेट कर रहे हैं, वो हमको निकाल भी नहीं रहे, वो चाह रहे हैं हम ही करें, तो वो काम भी कर रहे हैं, तो मैं परमिशन भी ले लेता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और सेम टाइम मैं अपने मोबाइल पर, और मेरा दफ्तर गोरखपुर में है, जहाँ पे रोज़ फरियादी और अपनी तकलीफ लेके लोग आते हैं, मेरा मोबाइल 24 घंटे चालू रहता है, तो नॉन स्टॉप एक ईश्वर की शक्ति है कि काम है, कहीं किसी को दुख भी नहीं है, मैं यहाँ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, पार्लियामेंट भी देख रहा हूँ, परिवार भी देख रहा हूँ, जीविका, क्योंकि ईमानदारी से राजनीति करनी है, और मैं अगर 2 रुपया या 2 रोटी दाल रोटी कमा रहा हूँ परिवार के लिए मेकअप लगा के, तो मैं मेरे राजनीतिक करियर पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा।
जैसे मैं एक सम्मान के साथ भगवान हमको सिनेमा इंडस्ट्री में 28 साल 29 साल निकाले और 600 फिल्म तक, वैसे हम चाहेंगे कि राजनीति में भी आए, कि कोई ये नहीं कहे कि खाली आए थे भैया ये जीत गई ना और जीत के बाबू कुछ ना कही ना और चल गई ना, हीरोगिरिया में रह गई ना। तो आज बड़ा खुश है गोरखपुर में कि वहाँ पे नाले की सुविधा हो या फ्लाईओवर हो या वहाँ एयरपोर्ट हो या जहाज शुरू करना हो या ट्रेन की बातें हो, यहाँ पर समस्याएं हो, मेडिकल कॉलेज की समस्या हो, हर चीज़ को हम सदन के पटल पे रखें, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाना। तो जितना भी हमसे हो रहा है, मोदी जी का आशीर्वाद है, योगी महाराज जी का आशीर्वाद है, अमित शाह जी का, जब आपके लीडरान इतने अच्छे हैं जो इतनी स्वार्थ मंग से राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम में काम कर रहे हैं, और गोरखपुर की जनता ने हमको पूज्य योगी महाराज जी के आशीर्वाद से इतने लाखों वोट से जीता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरी तरह से अपना जान उन लोगों के लिए झोंक दें, और कहीं पर भी गोरखपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता या मेरे देश की जनता, एक सांसद का मतलब गोरखपुर ही नहीं, हमारे साथ अभी दिल्ली में भी कुछ बच्चों को बचाना था तो हम पार्लियामेंट जा रहे थे, आप लोगों ने देखा पूरे देश में वायरल हुआ। तो ये मेरा दायित्व, यहाँ भी जिस क्षेत्र में यहाँ कोई दिक्कत आए तो मोदी जी कहते हैं कि सांसद का काम सिर्फ उसका जिला नहीं है, हम गोरखपुर में बैठ के न जाने कितने जिलों की बातें रोज सुनते हैं और वहां पर उनके उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। ये ही नहीं कि हम गोरखपुर के मुझे आप लोग कभी भी फोन कर सकते हैं आपके माध्यम से, कोई भी चिंता हो मेरे मुझे ट्विटर पर आप लोग मैसेज करें, फेसबुक पर करें, तुरंत मेरे लोग नहीं मैं खुद वो चीज़ को रोज पढ़ता रहता हूँ और मेरी नज़र आप लोगों पे हमेशा रहती है, आपका कोई भी समस्या हो तुरंत उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर कहीं पर कोई भी गलत काम या गलत अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर आप समझो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो मुद्दा है ये फिल्म का जो स्टोरी लाइन है बहुत जज्बाती है और रवि सर के साथ काम करने का अनुभव क्या बताएगा सर? सबसे पहले तो आप सभी को मैं अरविंद अकेला कलुबार और प्रणाम करता हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने बड़े भैया सांसद महोदय भोजपुरी के सुपरस्टार रवि भैया के साथ मैंने काम किया, और मैं पहले बहुत डरा हुआ था, कोई भी डरेगा क्योंकि जिनको देख के हम लोगों ने सीखा है, जिनको देख के हम लोग फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, तो उनके साथ फर्स्ट सीन जब मैं करने गया तो मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था कि भाई कैसा करूँगा कैसा नहीं करूँगा, लेकिन पूरे फिल्म में फर्स्ट डे से लेके फिल्म के एंड तक ऐसा लगा ही नहीं कि मैं भोजपुरी के या हिंदी के साउथ के हर फिल्मों में इन्होंने काम किया है, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ, हमेशा छोटे भाई की तरह अगर मैं कुछ एक्टिंग में थोड़ा बहुत या जो भी सीन का डिमांड रहता था अगर इधर उधर भी करता था भैया बुला के पर्सनली मुझे समझाते थे और सीन को कैसे हम लोग अच्छा करें वो सिखाते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो हमारी राधे फिल्म है भैया ने सारी कहानी बताई कि एनिमल लवर्स जो एनिमल से लोग नफरत करते हैं ये बहुत दुखदाई है, एनिमल से प्यार करना चाहिए, वो बोल भी नहीं सकते अगर उनको तकलीफ होती है तो वो बोल भी नहीं सकते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि चाहे कोई भी एनिमल हो सबसे आप लोग प्यार कीजिए, और ये फिल्म उसी पर निर्धारित है, बाकी स्टोरी आप लोग जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तो आप लोग को देखने को मिलेगी और काफ़ी मजा आएगा। तो यही पूछना चाहूँगा जैसे रवि सर ने भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्म और साउथ की फिल्मों में कमाई पाई, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी अलग चीज़ को करें और राजनीति में कमाई पाई है तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपका कोई है सर? अभी तो भैया के आशीर्वाद से भोजपुरी में मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने वो मुकाम पा लिया है, मैं बस मेहनत कर रहा हूँ और एक ही चीज़ सिखाऊँ कि मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए, मेहनत आप कीजिएगा तो आपको अपने आप ही फल मिलेगा, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल मीठा होता है, तो भोजपुरी में कर रहे हैं हम, भगवान करेंगे तो आगे जरूर साउथ में भी आएंगे, तेलुगु में भी आएंगे, हम पूरा चाह रहे हैं तेलुगु में अच्छे आगे, हम गाना है पूछना ब्रिज बना दिए जैसे बिग बॉस में सब लोग आए। आप सर ये गाने के बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरह का गाना, मतलब बहुत रसदार गाने हैं और बहुत मज़ा आया, देखिए ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा, रसदार गाने हैं, गंदगी नहीं है, वाहियात पर निकास शब्द थे वो उन्होंने डायरेक्टर साहब ने बदल दिया, वो क्योंकि बदलना भी चाहिए, जहाँ हम लोग अश्लीलता के खिलाफ जा रहे हैं तो हम लोग खुद अगर अश्लीलता को बढ़ावा देंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने रितेश जी आपने बदल दिया ना, रितेश जी मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो हाँ तो एकाध शब्द एक था कहीं इनका तो उन्होंने बदल दिया ताकि हम लोग
पे जो अभी तोहमत जो अश्लीलता के खिलाफ हम लोग हैं, या भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में ला रहे हैं या अश्लीलता को खत्म करने की बात कर रहे हैं ताकि हमारी भोजपुरी को सम्मान मिले. देखिए सलमान खान सा, मैं भोजपुरी के द्वारा भी मैं इतनी फिल्में करने के बाद बोल रहा हूँ, सलमान खान साहब की फिल्में हमारे मित्र हैं, उनकी फिल्मों में देखने किस भी नहीं करते हो और उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं. तो ऐसी बहुत सारे कलाकार हैं साउथ में भी हैं जिनकी फिल्मों में आप गंदगी नहीं पाएंगे और ज़रूरी नहीं. हम लोग क्या कि ऑडियंस को परोस परोस के एडिक्शन दे दिए हैं, ऐसा हमारी ऑडियंस स्वयं नहीं चाहती. अगर अब हम लोग सारे लोग मिल के सारे कलाकार अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और अच्छा, तो फिर सरकार भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार आया उसके बाद कब हुई गौना हमार के बाद फिर आना चाहिए, सरकार भी पूरा तवज्जो दे रही. जब हम लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं तो उन लोग भी, आज मोदी जी भी भोजपुरी के बारे में इतनी बातें करते हैं. हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग अच्छी अच्छा सिनेमा सोचे, अच्छी बातें करें, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र है कि हाँ मैं मनोज बाबू, अभी हम दो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ पर, तो सबकी नज़र है कि अरे भोजपुरी से, तो वहाँ पर भी चर्चा वही हो रही है. तो अब हम लोग अच्छा सिनेमा बनाएंगे तो हम लोग और बड़े बड़े बनेंगे और हम लोग इस देश में और सम्मान पाएंगे. और सर हाल फिलहाल में ही दो दिग्गज नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का निधन हुआ, तो क्या कहना, कितनी दुखद बात है, देश को कितना नुकसान हुआ उनके. देखिए बहुत बड़े ये बहुत मेरी अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, मेरे नज़र में तो शहादत है. शहादत इसलिए कि राष्ट्र के प्रेम में इन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया. देखिए बहुत इरेटिक लाइफ होती है, खाने का समय नहीं होता, स्ट्रेस लेवल बहुत होता है आपको, 24 घंटा कभी कभी ट्रैवलिंग अजीब अजीब करना पड़ता है, भागना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, डे नाइट काम करना पड़ता है. तो ये हम जान रहे हैं, तो ये बहुत ही टफ समय होता है. उसमें परिकर साहब भी बीमार हो गए, सुषमा जी भी हो गई, आनंद जी भी थे, बहुत सारे लोग हैं जिनको, कुछ लोग बीमार हैं भी, कुछ लोग तो मोदी जी कहते भी हैं, उसमें उन्होंने अभी पार्लियामेंट की मीटिंग में भी हम लोगों से कहा कि अपना रेगुलर चेकअप करवाया करो आप लोग, क्योंकि देखिए अंदर से स्ट्रेस तो रहता ही है. आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, 20-22 लाख एक जिले की आबादी होती है, उसका एक सांसद होता है, अगर उसको 20-22 लाख की समस्याओं को सुनना है, 20-22 लाख लोगों की समस्याओं को आपको समझना है और उसको आपको उसका निवारण भी करना है, और उसके बाद अगर आपको मंत्री पद मिल जाता है तो आप पर और डबल बोझ आ जाता है. मोदी जी खुद 18-19 घंटे काम करते हैं, योगी जी, अमित शाह जी 18-19 घंटे, सारे लोग इतना काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप समय एक्सरसाइज को, योगा को, खाना सही पीना नहीं रखोगे, आपका शरीर कोलैप्स कर जाएगा. तो ये बहुत दुखद है कि हमने अरुण जेटली साहब को खो दिया, इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे. उनके आप स्पीचेस पढ़िए लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट में मैंने उनकी स्पीचेस को पढ़ा है, इतना अच्छा बोलते थे, इतने शालीन थे, दोस्त थे सबके. वो उनके आखिरी शब्द मुझे याद है, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था 2017 में, तो उन्होंने मुझे पार्टी के दिल्ली कार्यालय में बोला था कि एक बात बताएं रवि, आपको अगर जिस तरह से आप कलाकार के रूप में पूरे देश में पॉपुलर हो, इतना नाम है, आप कोशिश करिए कि आप राजनीति में भी पॉपुलर हो जाएं और वो मिथ्या को तोड़ दें कि कलाकार अच्छा राजनीतिक नहीं बन सकता. ये उनका मुझे शब्दों में आशीर्वाद था जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कलाकार जिस तरह तुम पॉपुलर हो ऐसे ही उतनी मेहनत करो और वो मिथ को तोड़ दीजिए कि कलाकार कभी अच्छा राजनीतिक नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि एमजी रामाचंद्रन थे तमिलनाडु के, एनटी रामा राव थे आंध्र प्रदेश के, स्मृति ईरानी जी इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो कलाकार मनोज तिवारी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कलाकार भी बहुत ये आशीर्वाद है. मैं चाहूंगा कि सारे कलाकार, बहुत सारे कलाकार हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, उस अपोजिशन पार्टी से भी, मैं उस सनी देओल साहब हमारे मित्र हैं वो भी है हमारे साथ, किरण खेर जी इतना अच्छा कर रही हैं, अनुपम खेर साहब की वाइफ बहुत अच्छा बोलती भी, वक्ता बहुत अच्छी हैं, बहुत कलाकार हैं भाई इस वक्त. तो एक उड़ीसा से भी एक हीरो हैं वो, बीजू पटनायक जी के पार्टी से, कोलकाता से दो चार हीरोइन हैं, एक हमारी पार्टी में लॉकेट भी हैं, बहुत शताब्दी हैं वहाँ से, TMC से हैं, तो बहुत सारे कलाकार हैं. मैं सबसे पार्टी, देखिए विचारधारा अलग है, चाहूँगा कि कलाकार लोग भी अपना अगर आ रहे हैं पार्लियामेंट में तो उसको एक सीरियसली, ये ना कि, नहीं तो कलाकारों को बड़ा हल्के में लिया जाता है कि अटेंड नहीं करते. इसलिए मेरा इस टाइम पे 100% अटेंडेंस रहा, वो थोड़ा सा संभालना. जब आ जाते हो तो फिर अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते कि मैं हीरो भी रहूं और मैं राजनीतिक भी ना बनूं,
और राजनीति वो नहीं चलेगा. आप सर आखिरी में ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक इतना सारे डिसीजन लिए जो कि मतलब पूरा देश को बदलाव में लाया गया, तो क्या करना चाहेंगे, कितना जरूरी था और कितना ज्यादा अच्छा भविष्य नजर आ रहा है? देखिए 2014 में ही पता चल गया था जब पहली बार की एक मसीहा आ गया, जब उन्होंने कहा था कि शौचालय चाहिए. पहला प्रधानमंत्री इस धरती पर भारत के आए जो हमारी माँ बहने घर की इज्जत के लिए सोचे. उससे पता चल गया कि इन्होंने नस पकड़ा. उनको पता था कि उन्होंने पहले जाके वहां पे कश्मीर में वो चैलेंज करके झंडा फहराने गए थे. उनको कुछ नहीं चाहिए, वो कट्टर राष्ट्र भक्त हैं और राष्ट्र हित में सोचते हैं. मोदी जी सिर्फ राष्ट्र हित में सोचते हैं. उन्होंने 370 वगैरह उनका पूरा प्लान था, उनके एजेंडा में था, चुनावी एजेंडा में था, और वो जो बोलते हैं उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, इसीलिए वो मोदी जी हैं. कल यूएई में देखिए कितना बड़ा सम्मान मिला. वर्ल्ड के सारे सारे बड़े बड़े कंट्रीज उनको बुला के सम्मान, एकमात्र विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं, विश्व के ताकतवर नेता. वहीं बगल के सारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के भी हैं, पाकिस्तान के हैं, यहाँ वहाँ के, चाइना के हैं, सिंगापुर के हैं, जापान के हैं, कोई नहीं पूछ रहा. मोदी जी को पूरा वर्ल्ड न्योता देता है और उनको एक करिश्मा की तरह देखता है और उनके सामने सारे जैसे बौना बन जाते हैं. एकदम शिव कृपा है उन पर, और शिव भक्त हैं बहुत बड़े.